हेलो फ्रेंड, कुछ टेस्टी किचन में आपका स्वागत है। आज हम रेसिपी में बनाएंगे मावे की बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई लिया है, मोटी कढ़ाई हमारे पास है। और इसमें हमने 2 कटोरी शक्कर ऐड किया है, मतलब 1/2 kg शक्कर हमारे पास है। और 100 ग्राम पानी है, थोड़ी पानी ज़्यादा हो जाना चाहिए, चलेगा। और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए हम शक्कर कम भी ऐड कर सकते हैं, और मीठा कम खाना है तो इसमें 1/2 kg भी डाल दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, इस कटोरी में पानी ऐड लिए हम, और थोड़ी सी इसमें डाल के चाशनी देखते हैं हमारी ऐसा गोल होने लगे राउंड शेप। तो हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, और इसके बाद इसमें हम मावा ऐड करेंगे। और गैस को हम बंद कर देंगे इसी पर। हम मावा को अच्छे से मिलाएँगे। तो मावा को हम चाशनी में अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड किए हैं। इसके बाद इसको अच्छे से हमें मिलाना है एकदम, कि हमारा मावा चाशनी में एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके से 5-10 मिनट लगेगा, और अच्छे से मिलाना है एकदम। देखिए, हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है मावा। इसके बाद इसमें हम एक बर्तन लिए हैं, इसमें हम तेल लगाएंगे, मीठा ऑयल हल्का सा। इसके बाद अपना जो बर्फी का बैटर है इसको हम ऐड करेंगे इसमें। बर्फी बैठाने के लिए मेन तरीका इसमें है कि हमारा मावा 250 ग्राम है, तो हमने शक्कर 1/2 kg लिया है, और इसमें हमने पानी सिर्फ 100 ग्राम ऐड किया है। थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए पानी, और ज़्यादा हो जाएगा पानी और तो बर्फी हमारा अच्छे से बैठती नहीं है। और जब इसकी चाशनी बनती है तो उसको पानी में डाल के देख लें कि दम हमारा जो राउंड शेप अच्छे से आ रहा है। तो इसके बाद उसमें मावा डाल के हम अच्छे से बना लेंगे, तो हमारी बर्फी अच्छे से बनती है। तो देखिए, हमारा हमने थाली में अच्छे से ऐड कर लिया है, और इसको हम थोड़ी देरी के लिए 1/2 घंटे के लिए रखेंगे पंखे के सहारे। और जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम फ्रिज में रख देंगे, तो 1 घंटे में हमारी बर्फी ठंडी हो जाएगी। और ऐसे रखना है तो 2 घंटा लग जाएंगे। तो देखिए, हल्की से ठंडी हो चुकी है, इसमें हम कट कर निशान बना देते हैं। इसके बाद फिर फ्रिज में हम 1/2 घंटे के लिए रखेंगे। तो देखिए, 1/2 घंटा हमने फ्रिज में रख दिए थे, तो हमारी बर्फी एकदम बैठ के अच्छे से बर्फी रेडी हो चुकी है। इसको हम आपको कट करके दिखाएंगे इस तरीके से। क्या हम शक्कर भी कम ऐड कर सकते हैं, बट क्या ज़्यादा डालेंगे थोड़ी बर्फी और मीठा खाना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। तो पानी जैसे शक्कर के हिसाब से हमें पानी ऐड करना पड़ता है। देखिए, हमारी बर्फी कितनी किस से निकल रही है। तो घर की बर्फी बनाइए तो इसका स्वाद कुछ अलग ही लगता है खाने में। देखिए, हमारी बर्फी कितनी टेस्टी दिख रही है। तो ऐसी बर्फी बना के घर पर खाइए, इसका स्वाद कुछ अलग ही एकदम टेस्टी आता है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।